इंडिया के कंपटीशन के लिए। बम उधर भी है, बम इधर भी है, यहाँ पे बात बराबर होगी। एक और हवा दे दिया उन्होंने कि इंडिया बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, वो आपको कमजोर समझता आपके ऊपर अटैक कर देगा, तो पाकिस्तान मिलिट्री आप मेरा पीटीआई को तोड़ने में अपनी एफर्ट्स ना लगाएं, आप उसके ऊपर फोकस करें कि इंडिया कितना आगे जा। से कुछ महीनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी डेलीगेशन, कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनकी स्पोक्स पर्सन ने भी ये बात को मुहर लगाई थी कि यस हम लोग बिल्कुल एनओसी को सब प्रोसेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जाएगी, इंडिया जाके देखेगी क्या सूरत हाल है वर्ल्ड कप से पहले। मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, टाइम लगेगा लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट करे स्पेस शटल बाहर भेजने का, पाकिस्तान को तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पाकिस्तानी आतंकवादी का गला समझ कर दबा दें। जैसे कि आप सभी को पता है कि अक्सर जो चोर होते हैं वो सारी दुनिया को भी चोरी समझते हैं। पाकिस्तान भी एक ऐसा घटिया मुल्क है जो हर समय यही सोचते हैं कि भारत भी उस पर कभी भी हमला कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद हमेशा भारत पे हमला करने का सोचता रहता है। दूसरी ओर नौटंकी पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी भारत आएगी फिर से सिक्योरिटी चेक करने के नाम पे नौटंकी करने के लिए, और अंत में देखेंगे पाकिस्तान का वही पुराना रोना धोना कि इंडिया कितने आगे बढ़ गए हैं। आइए वीडियो में देखते हैं भारत की तारीफ की कहानी पाकिस्तानियों की जुबानी। इंडिया के कंपटीशन के लिए बम उधर भी है, बम इधर भी है, यहाँ पे बात बराबर होगी। एक और हवा दे दिया उन्होंने कि इंडिया बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, वो आपको कमजोर समझता आपके ऊपर अटैक कर देगा, तो पाकिस्तान मिलिट्री आप मेरा पीटीआई को तोड़ने में अपनी एफर्ट्स ना लगाएं, आप उसके ऊपर फोकस करें कि इंडिया कितना आगे जा रहा है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और ये समझ नहीं है कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो खतरा होता है मुल्क को, क्योंकि अगर रूस ने अटैक किया यूक्रेन को तो वो समझे वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमेशा याद रखें कभी अटैक नहीं किया जाता उस मुल्क को जो वो समझे कि हमारे बराबर के हैं या हमारा मुकाबला कर सकते, वो तब होता है जब समझते कि ये तो बिल्कुल ही बैठ गए, थोड़ा सा धक्का दिया ये तो माशी तौर पर वैसे ही गिर जाएंगे। अगर हमारे रिजर्व $4 अरब से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर के डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इंडिया आज से आगे नहीं जा रहा, इंडिया बहुत पहले से आगे जा रहा है, और ये पाकिस्तानियों का गमान है, ये हमारा गमान है कि हम अपने आप को समझते हैं कि जी हम जी उनके टक्कर की चीज है। आप हमारी कोई औकात नहीं है, खुद आपने बोला हमारे पास $4 अरब भी नहीं है तो उनके पास $500 अरब है। यस अभी मोदी जी ने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगले 10 साल तक पता नहीं कितनी हजारों नौकरियों को उन्होंने सेव कर दिया, $billions की डील की, तो जाहिर बात है उनकी पावर है। और इसमें कोई शर्म की या कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं, ये पुराने जमाने के ख्याल आते हैं, ओ जी हम बड़ी ताकतवर कौम है, हम पूरी दुनिया पे गलबा करेंगे। क्या स्विट्जरलैंड या स्वीडन को या फिनलैंड को कोई गमान होता है कि वो यार अमरीका हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो हम कमतर है? कौमों की कमतरी और बर्तरी उनकी फौज की ताकत के ऊपर नहीं जांची जाती, उनकी बर्तरी उनके अख़लाक़ियात से जांची जाती है। से कुछ महीनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी डेलीगेशन, कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनकी स्पोक्स पर्सन ने भी ये बात को मुहर लगाई थी कि यस हम लोग बिल्कुल एनओसी को सब प्रोसेस कर रहे हैं और इवेलुएट कर रहे हैं सिचुएशन को, वेन्यूज को, सिक्योरिटी को, और फिर हम मीन टाइम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता देंगे। बड़ी अपडेट ये डेवलप हो रही है आईपीसी मिनिस्ट्री की तरफ से। अब आईपीसी मिनिस्ट्री से आप लोग काफी हद तक वाकिफ हो चुके होंगे कि आईपीसी मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है, वो एक मिडिल मैन है टू सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड बिटवीन द गवर्नमेंट, दे प्ले द रोल ऑफ द ब्रिज। तो उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन ने क्या, उनकी सोर्स जो स्पोक्स पर्सन की सोर्स है वो क्या क्लेम करती है सिक्योरिटी डेलीगेशन को लेके, सुबह से रिपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है, इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है, आईपीसी मिनिस्ट्री को भी कोट किया जा रहा है, तो काफी हद तक बात गश्त है इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया में इस सिक्योरिटी डेलीगेशन को लेके। इसके ऊपर बात करेंगे क्या क्या पॉइंटर सामने निकल के आ रहे हैं, क्या क्या इंडियन मीडिया बात कर रहा है, क्या क्या पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है, और तरह हकीकत एक्चुअली सिचुएशन होने क्या जा रही है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब के ऊपर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में से फेवरेट को किसको करार दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जाएगी, इंडिया जाके देखेगी क्या सूरत हाल है वर्ल्ड कप से पहले, तो बस जाएंगे खाएं पिएंगे देखेंगे और आ जाएंगे। वैसे लास्ट टाइम व्हेन दे वेंट
तो उन्होंने वो धर्मशाला जो T20 का जो 2016 में हुआ था वर्ल्ड कप, तो उधर धर्मशाला में, क्योंकि वहां पे थोड़ा जो लोकल्स थे वो मेबी दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग रिगार्डिंग पाकिस्तान टीम, तो जो स्कूल टीम गई थी उन्होंने जाके वहां पे बोला था कि यहां से आप फिर वो कलकत्ता में मैच लेके थे। मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, टीम लगेगा लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट करे स्पेस शटल बाहर भेजने का, पाकिस्तान को तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसमें अभी हम देखें अगर हम आई टी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके CEO हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं तो वो आज उसका CEO भी एक हमारे पास इंडियन है। ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दी और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पा ली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट में हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं किया। उन्होंने रशिया से बहुत ज़्यादा उनसे उन्होंने एक्सपोर्ट किए इम्पोर्ट करवाई है उनके वेपन्स वगैरह, उनको फ़ायदा दिया ताकि रशिया उनके साथ रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देख कर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है।